और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपका बजट है 16,000 रुपए या 17,000 या 18,000, इस बीच पे अगर कोई सा आपका बजट है और आप एक बेस्ट फोन लेने को सोच रहे हैं जिसमें आप लोगों को एक अच्छी बैटरी लाइफ और एक कमाल का कैमरा परफॉर्मेंस और एक जबरदस्त एंड पावरफुल एफिशिएंट प्रोसेसर आप लोगों को मिले, जहां पर एक सुपर एमरल्ड डिस्प्ले हो या फिर फुल एसडी 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ या फिर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले आप लोगों को मिलनी चाहिए। सभी एक ऐसा ही फ़ोन लेना चाहते हैं अंडर 16, 17 and 18,000 की रेंज में। तो अगर आप एक बेस्ट फ़ोन लेना चाहते हैं लॉकडाउन ओवर होने के बाद, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए, जहां पर मैं आप लोगों को यहां पर टॉप 5 बेस्ट फ़ोन बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहां पर अपने पाँचवें फ़ोन से। पाँचवें फ़ोन की बात करें तो हमारा आता है यहां पर सैमसंग की तरफ से M31, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट फ़ोन है, जिसमें आप लोगों को 6000 mAh की बड़ी बैटरी, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले और एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर और एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस मिलती है। जहां पर आप पबजी वगैरह अगर खेलना चाहते हैं तो उसके लिए इस फ़ोन को ना लीजिएगा। यहां पर आप इस फ़ोन को ले सकते हैं बाकी एनी अदर गेम्स के लिए। M31 की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.3 GHz का सैमसंग एक्सिनोक्स 9611 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग की तरफ से प्रोसेसर आता है। 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है आप लोगों को। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस की फुल HD 403 PPI डेंसिटी के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। जहां पर अगर कैमरे की बात करें तो 64+8+5+5 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर आप कमाल की ऑसम पिक्स ले पाते हैं। 32 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें बैटरी की अगर बात करें तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट मिलता है। अगर इस फ़ोन की प्राइस की बात करें तो आप लोगों को 16,000 रुपये की कीमत में देखने को मिल जाएगा, यानी कि फ्लिपकार्ट वगैरह पर 15,999 रुपये की कीमत में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने चौथे फ़ोन की। चौथा फ़ोन आता है हमारा Realme 6 Pro, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, जिसमें आप लोगों को एक अच्छी डिस्प्ले और एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और एक अच्छी बैटरी और एक ज़बरदस्त एंड पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं फ़ोन की स्पेक्स और प्राइस। Realme 6 Pro की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.3 GHz का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच के फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। जहाँ पर कैमरे की बात करें तो 64+8+12+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 16+8 MP का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बैटरी की जहाँ पर बात करें तो 4300 mAh की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है विद बैटरी के साथ। यहाँ पर USB Type-C पोर्ट आप लोगों को मिलता है। इस फ़ोन की अगर प्राइस की बात करें तो आप लोगों को 16,999 रुपये की कीमत में देखने को मिलता है, और फ्लिपकार्ट पर अगर देखेंगे तो ये आप लोगों को 17,999 रुपये की कीमत में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने तीसरे फ़ोन की। तीसरे फ़ोन की बात करें तो हमारा आता है यहाँ पर Poco X2, और Poco X2 में आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेक्स देखने को मिलती है, कमाल का फ़ोन निकल कर आता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें आप लोगों की बैटरी ड्रेन का इशू है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जैसे कि रात भर आपने कोई भी वीडियोस देखी, तमाम सारी वीडियोस देखी, अपने रात में चार्ज किया, तो आपको सुबह होते होते फिर उसके बाद शाम होते होते चलती रहेगी बैटरी, यानी कि 2 दिन लगातार अगर आप इसको बहुत ही हैवी यूज़ करते हैं तो आराम से चल जाती है। मेरा ये पर्सनली यूज़ किया हुआ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो Poco X2 की बात करते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आप लोगों को ऑक्टा कोर 2.2 GHz का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, पबजी वगैरह खेलने के लिए एक बेस्ट प्रोसेसर है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस की फुल HD बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ आती है। यहाँ पर 120 Hz रिफ्रेश रेट मिलता है आप लोगों को। कैमरे की बात करें तो 64+8+2+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ। यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस के लिए अगर आप Poco X2 ले रहे हैं तो आप ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 20+2 MP का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। इस फ़ोन की भी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है, और प्राइस बढ़कर हो गई 16,999 रुपये, क्योंकि ये फ़ोन पहले 15,999 रुपये की कीमत में था।
अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने लास्ट के दो फोन्स की। सबसे पहले हमारे दूसरे नंबर पे आता है वीवो की तरफ से Z1X, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेक्स देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेक्स और प्राइस। वीवो Z1X की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.3 GHz का स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, जिसमें आपको पबजी वगैरह खेलना हो या फिर हाई इन गेम्स खेलना हो उसके लिए बेस्ट फ़ोन है। 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। जहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.38 इंचेस की फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पर आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉइज डिस्प्ले मिलती है। एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं और फिंगरप्रिंट सेंसर भी फ्रंट डिस्प्ले में मिलता है। कैमरे की बात करें तो 48+8+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिल जाती है, जहाँ पर फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि लाजवाब पिक्स आप लोगों को देता है। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। अगर इस फोन की प्राइस की बात करें तो आप लोगों को मिलता है 16,990 रुपये की कीमत में, क्योंकि GST लगने की वजह से इस फोन की भी प्राइस बढ़ गई है। अब बात करेंगे अपने पहले नंबर पे फ़ोन जो आता है उसकी। वो बहुत ही बेस्ट फ़ोन है, इसमें आप लोगों को हर चीज़ मिल जाती है, यानी पावर पैक फ़ोन मिल जाता है। बात कर रहे हैं यहाँ पर Realme X2 की, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट फ़ोन है, जिसमें आप लोगों को एक दमदार कैमरा परफॉर्मेंस, एक बड़ी बैटरी, सुपर AMOLED डिस्प्ले और एक ज़बरदस्त आप लोगों को प्रोसेसर देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं फोन के स्पेक्स और प्राइस। Realme X2 की अगर बात करें तो आप लोगों को ऑक्टा कोर 2.2 GHz का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है। 4GB रैम के साथ आप लोगों को मिलता है 64GB का इंटरनल स्टोरेज, जो कि वेरिएंट आप लोगों को 17,499 रुपये की कीमत में अमेजोन वगैरह पर देखने को मिलता है। फ्लिपकार्ट पे थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, 17,990 रुपये की कीमत में देखने को मिल सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस की फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। एजेस बिल्कुल नहीं है, बहुत ही पतले एजेस मिलते हैं, चिन बहुत ही पतला मिलता है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बात करें अगर इस फोन की तो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आप लोगों को फ्रंट में मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ, जहां पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी, वॉक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट और USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। इसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप लोगों की बैटरी बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाती है। तो एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट फ़ोन निकल कर आता है Realme की तरफ से X2, और अब आप लोगों को यहाँ पर Realme X3 भी जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। और मेरी जो है अपकमिंग वीडियो आ चुकी है, आप लोगों को लिंक यहाँ पर जो आइकन है उसमें मिल जाएगी वीडियो, आप लोगों को अपकमिंग फ़ोन्स इसमें मैंने बताए हैं। और अगर आप लोगों को और भी अगर टेक न्यूज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको टेक न्यूज़ चाहिए। और अगर संडे कमेंट बॉक्स चाहिए आप लोगों को, अगर आप संडे में मुझे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को मिलती रहती हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक हमारी आप वीडियोस देखते रहिए। चलिए मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।